बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि, इस राशि में अगर केतु हो और गोचर में भी आ जाए, अहंकारी स्वभाव बन जाता है, गुस्सेल हो जाते हैं, जो घर में चीख चिल्ला के बोलने वाले लोग, कोई बात करो शोर शराबा मचा देते हैं, ऐसे लोग वो होते हैं जिनका मिथुन राशि में केतु होता है, और ये स्वभाव के कारण लोग उनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, दिमाग के तेज होते हैं, कैलकुलेशन माइंडेड होते हैं, उंगलियों पे हिसाब कर लेते हैं, किसी भी चीज के प्रति एकदम से सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन अहंकारी और गुस्सेल, सब कुछ गंवा दिया, चतुराई के तेज होते हैं, मतलब उसका दिमाग शार्प माइंड होता है लेकिन उसको सही से प्रयोग नहीं करते तो शातिर माइंड हो जाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी चालाकी दिखाते हैं, पकड़े जाते हैं तो फिर फंस जाते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने स्वभाव को नियंत्रण करना, अपने बोलचाल को नियंत्रण करना, अपने भाव को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग ओवर ईटिंग वाले भी होते हैं, इन लोगों को खाने का इतना शौक होता है ये खा के भी खा लेते हैं, मेरे मन को भाया आधी रात को खाया, तो जो ये लोग होते हैं जो खा के भी खा लेते हैं वो ये लोग होते हैं, जिसके कारण ये टू मच गैस्ट्रिक हो जाते हैं, और हमेशा इनके साथ दो चीज होती है, इनके पास खाना भी होता है और दवाई भी होती है, तो ये खाना खाते हैं, साथ में डाइजिन खाते हैं, फिर खाते हैं, नहीं खाते जरूर है, तो ये प्रॉब्लम कई बार इनको परमानेंट हॉस्पिटल पहुंचा देती है, और फिर बिना हॉस्पिटल के इनका इलाज नहीं होता, तो रोग इनको फंसा लेता है। दूसरा, दोष इनको फंसा लेता है, दोष क्या है? भाषा, और रोग क्या है? पेट। तो इनको अपने रोग और दोष दोनों को कवर करने के लिए, तो अगर किसी से सीखना है, संयम सीखना है, संयमित रूप से काम करना है, तो गणपति की आराधना करें। वैसे भी केतु के देवता हैं गणपति, गणपति का सर कटा था, केतु भी कटे थे, तो इसलिए अगर ये गणेश जी को भोग लगाएं, गणेश जी को हरी चीजों का भोग लगाएं, तो इनको बहुत लाभ होता है। हरी चीजों में जो हरे रंग के फल होते हैं, हरे रंग की मिठाइयाँ होती है, मीठा पान होता है, तो इससे उन्हें बहुत लाभ होता है, ये इन्हें करना चाहिए। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जो जातक हैं, जिस तरह की परिस्थितियां नारायण जी ने आपके सामने रखी, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो ऐसे में आपको गणपति देव की आराधना करनी चाहिए, उनको हरी चीजें अर्पित करनी चाहिए।